फॉर कानन यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं कहाँ पे हूँ क्या हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ आज आर के गोड फार्म पे, विच इज़ लुगड़ियार पड़गा, फैसल भाई के साथ में। फैसल भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फैसल भाई, ये वीडियो बनाने का पर्पस बताएंगे लोगों को? वीडियो बनाने का पर्पस ऐसा है कि हमारे तबरेज भाई जो सूरत से हैं और उन्होंने हमारे लिए मोहब्बत में आर के गोड फार्म के लिए टी शर्ट बना के दिया। ऐसा है कि तबरेज भाई आए। अस्सलाम वालेकुम तबरेज भाई। अच्छा तबरेज भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी दूर से आए और डायरेक्टली माशाल्लाह आर के गोड फार्म पे आपका दीदार हुए, मतलब वहाँ पे आपने ये किए, सो आप आगे कुछ बोल सकते? एक्चुअली हमारा व्यवहार जो है ओके फैसल भाई के साथ वो अभी का नहीं है। अच्छा 2021 में हमारा कुछ बकरे जो है फैसल भाई के पास थे, लगभग 5 से 8 बकरे थे जी, वो हमने यहाँ पलाई के ऊपर रखे थे। अच्छा, और मैं झूठी तारीफ तो नहीं करूँगा क्योंकि जो बकरे 8 इनके पास पलाई पे रखे थे वो पलाई के बाद हमने हमारे सूरत में मंगवाए थे गुजरात के अंदर, तो वो टाइम पे हमारे को जो रिस्पॉन्स मिला था फैसल भाई इससे आर के गोड फार्म पे से, तो वो मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि एक तो हमारे को हमारे बकरों की पूरी टाइम पे वीडियो मिल जाती थी, बकरा भले जैसा भी होए, अच्छा होए, बीमार होए, कि भाई हमारे बकरे के अंदर कुछ खस्सी करी हो बकरों को, या तो कुछ मिला के धुला के तैयार रखा हो बकरों, हमारे को टाइम वो टाइम पूरे 12 महीने इनके पास से हमारी वीडियो मिल जाती है। और आज हम कोई हमें फैसल भाई को हमारा दोस्तार बोले कि भाई बोले कि हमारे गुरु बोले, जिसको जो समझ ना हो बोले, मगर अभी हमारा जो बकरों का शौक जो आया हमने, मतलब जो मोटिवेशन आई, इंस्पिरेशन आई, जिससे हमने अभी हमारी एक टीम बनाई है, टीम सौदागर, तो वो टीम सौदागर बनने का कारण भी फैसल भाई। माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंडिंग में रही यार, हर चैनल पे माशाल्लाह टीम सौदागर सिम, और काफ़ी आज के तारीख में बहुत नामचीन बकरे आ रहे टीम सौदागर में। सही है, ये सब हमारा जो भी शौक है ना वो फैसल भाई की वजह से हुआ है। अल्लाह ने किया हुआ जरिया भाई। जरिया तुम्हें बेशक अल्लाह के सिवा कोई, मतलब जो बोलते ना फैसल भाई आपने जो पकड़े वो शौक जाने में से आपने बचा लिए, जो हमारे वो गाइडलाइन जो मिलती है अभी भी हाल में भी हमारी टीम सौदागर के जो बकरे सूरत में है हमारे गुजरात के अंदर, वहाँ पे भी अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम आती है कि हमारे जानवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है बकरा के अंदर, तो हम फैसल भाई से सब सलाह मशवरा लेते हैं। अच्छा सही है। एक बात बोलूँगा, इनके बकरे 8 थे हमारे पास, एक बकरे की मोर्टेलिटी हुई थी अपने जी, वो भी बताना आना, मोर्टेलिटी हुई थी एक बकरे की, और एक बकरा तो ऐसा था कि फैसल भाई ने मेरे को बोले थे ये तो वजन भी नहीं बढ़ रहा है ना, मैं इसकी पलाई भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। वो बकरा तो इन द एंड हाँ वो भाई ने मदरसे में दे दिए थे, नहीं वो गिव अवे था, गिव अवे था रैंडमली, जिसके घर पे कुर्बानी नहीं होती। हाँ, तो वेरी फर्स्ट गोट अपने चैनल पे शूट हुआ था जो गिव अवे वाला। अच्छा, तो वो ही सही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आते टाइम लोग ऐसे काफ़ी सारे गिव अवे करें ताकि इससे लोगों की भी मदद हो और शौक बढ़ सके। सही है। सो तबरेज भाई, आप माशाल्लाह सूरत से आए हो, तो किस पर्पज से आएंगे आप, अपने बकरे देखने आए? नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे फैसल भाई के पास कोई बकरे नहीं है, इंशाल्लाह आएंगे फैसल भाई के पास 2023 के अंदर। सही है। अभी देखो मैं ये बोलूँगा, बकरा मेरे यहाँ पर रखना ज़रूरी है ना। सही है, आपके घर पे रख रहे ना बकरे, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरे से अच्छी केयर आप कर पाओगे। सही है। और आपके ये नहीं, जरूरी नहीं है क्या, एक मोहब्बत होना चाहिए। सही है। मैं अक्सर मेरा भी बकरे नहीं रहते क्योंकि मैं फैसल भाई से मिलने आता हूँ, एक अलग रिलेशन है, एक धंधा अलग चलता है और एक रिलेशन अलग चलती है। सही है। एक्चुअली क्या, मिलने आना जरूरी है, दिल में मोहब्बत होना जरूरी है। सही है। हमारी बातें होती है व्हाट्सएप पे होती है, मेरी फारूक भाई से भी बात होती है जो आउट ऑफ इंडिया है, तो हम लोगों के डिस्कशन बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और जो अच्छे चीज़ों को लेके होते हैं कि अभी अच्छा क्या करना है। सही है। तो वो उसके ऊपर क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बकरा ये है आपका तो ही आप मेरे लिए अच्छा है, ऐसा नहीं। सही है। अगर किसी को शौक है तो कस्टमर के भी बकरे आप लेके देख सकते हो, कोई ऐतराज़ नहीं है क्योंकि हर के फार्म उसके लिए खुला है अलहमदुल्ला। लेकिन अभी तो तबरेज भाई, हाँ आप एनी रीजन, आने का खास कारण ये है कि अभी हमारे जो आरके की टी शर्ट जो है ये हमारी तरफ से टीम सौदागर की तरफ से इनको हदीये के तौर पे देने आए। मेरे को लगता है काफी वीडियो ऑब्जर्व करते, जो कलर बाड़े में लगता है वही कलर की बराबर जर्सी आती है, बाकी
ना गोल्डन कलर और व्हाइट एंड ऑरेंज था। हाँ। और ये टाइम पे हमारी थीम ही है येलो ब्लैक एंड ग्रीन, सही है, तो पूरे थीम के ऊपर ही टी शर्ट बने हुए। सही, आरके गोड फार्म का ये मेन लोगो चलता है, ये है। और पीछे क्या लिखे, वेयर गोड्स रूल, क्या बोलती पब्लिक। ये तो भाई माशाल्लाह फैसल भाई, लेकिन हकीकत में फैसल भाई बहुत भारी जर्सी है, पहनने के बाद भी अच्छा लगेगा। हम गुजारिश करते हैं फैसल भाई से, जब इतनी मोहब्बत से दूर से आए हुए, सामने पहनना भी जरूरी है। और माशाल्लाह इतनी केयर की गई कि हर एक साइज के जर्सी लेके गए ताकि सब लोग को पहने, पूरे स्टाफ के लिए। माशाल्लाह फैसल भाई बहुत अच्छी सूट हो रही है आपको, और बॉडी दिख रही है ना, सब दिख रहा है माशाल्लाह, फुल फिट एंड फाइन दिख रही है। खाली पीछे का एक लोगो दिखा देना लोगों को, बस सही है, चलेगा फैसल भाई। ये और कुछ बताना चाहेंगे तबरेज भाई इनके बारे में? सो आपको, आप जो पहले आए थे और अब भी आए, कुछ इम्प्रूवमेंट लगी, या फिर फैसल भाई को कुछ बताना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो? चेंजेस होगा तो ऐसा नहीं है, मगर मैं पहले करते मुझे अभी जो देख रहा हूँ, जो नया लुक आरके गोड फार्म का, वो देख के मुझे और खुशी हुई। और बकरे, बकरे भी अच्छे हैं माशाल्लाह, लोगों के बकरे भी देखे हमने जाके, वो भी अच्छे मेहनत कर रहे हैं। सही, और इंशाल्लाह अपना तो ये कई सजेशन है कि महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, बॉम्बे की बात नहीं करता हूँ, इंडिया के अंदर नंबर वन आरके गोड फार्म जैसा कोई फार्म नहीं होगा। अच्छा, ये सच्चे दिल से बोलता हूँ। ऐसा नहीं है ना, लोग बोलेंगे भाई सामने खड़े फैसल भाई, ना ऐसा नहीं है कि फैसल भाई के सामने तारीफ कर रहे हो और फिर बाद में पीठ पीछे बुलाया कर रहे, ऐसा नहीं है, दिल से मोहब्बत है। सही है, नहीं अक्सर हमने इनकी बाकी फार्म पे भी वीडियो बनाए, एक रहता है आदमी का बोलता है, सही है, ठीक है। और तबरेज भाई और कुछ? जज़ाकअल्लाह खैर तबरेज भाई, ये टी शर्ट के लिए फारूक भाई और टीम सौदागर को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा इतना केयर किए और हमारे बारे में सोचते हुए, और हमारा जो ये साल का थीम कलर है वो कलर के ऊपर टी शर्ट बना के देने के लिए। बेशक, वो मैंने एक एक ये बारीकी से देखना अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसा है कि तुम्हारे, मेरे ख्याल से ये टी शर्ट का ये भी है शायद बिजनेस भी है, टी शर्ट प्रिंटिंग और प्रिंटिंग का है। किसी को भी टी शर्ट अगर प्रिंट करवाना हो और अब बनवाना हो तो टीम सौदागर तबरेज भाई को कॉन्टेक्ट करो, बहुत ही अच्छे टी शर्ट बनाते हैं। तो माशाल्लाह गए साल की चर्चा आज तक चल रही है, देना हुआ तो बंदे ने, कपड़ा बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे टी शर्ट जो हैंड ओवर कर रहे हैं, तो समझ लो आरके गोड फार्म के नए कलर में, नए फैब्रिक में टी शर्ट। 2023 का मॉडल नवंबर में रिलीज हो रहा है माशाल्लाह, जो है मतलब लुक भी आपके फार्म पे सूट हो रहा है वो वाला, क्योंकि हम लोगों का ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन है, ऊपर से ग्रीन भी है, तो टी शर्ट के ऊपर परफेक्टली मैच। ये साइड से सेकेंड अपडेट रहेगा आपके, इससे पहले मिला आरके, पहले भी मिला था, इसके पहले व्हाइट एंड ऑरेंज कलर में थे। अच्छा, और ये फारूक भाई और तबरेज भाई की ये पूरी, ये मैं एक्चुअली बोलूंगा टीम सौदागर की तरफ से, सौदागर की पूरी रिप्रेजेंट है आरके गोड फार्म के लिए, जो मोहब्बत से वो पहुंचाते हैं और लेके आते हैं। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके दिलों में मोहब्बत जगाए, आमीन इसी तरीके से। सही है फैसल भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फैसल भाई मैं आपको क्या बोलूँ, गोट लवर बोलूँ, गोट फार्मर बोलूँ, या फिर बिजनेसमैन बोलूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक गोट लवर, सेकंड गोट फार्मर, थर्ड बिजनेस, नहीं अगर मैं तीनों में से प्रायोरिटी, तो फिर गोट लवर के हिसाब से जाएंगे। नहीं, अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो एज ए बिजनेसमैन। अच्छा, लेकिन मैं हूँ एक गोट फार्मर बिजनेसमैन। अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो तो आपकी देखते रहता हूँ इंस्टा पे, या फिर कोई भी मतलब सोशल मीडिया साइट्स पे, अक्सर आपके कहाँ ना कहाँ तो देखने मिलती चे, कुछ ना कुछ अपडेट देखने मिलता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इकलौते फार्मर हो, ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो इतनी ट्रांसपेरेंसी खुल के बता देता है। बताना जरूरी है, डार्क साइड ऑफ गोट फार्मिंग बताना जरूरी है। अच्छा, हम लोग डार्क साइड, हम लोग लोगों को, क्योंकि न्यू कमर है ना वो, उससे ना पहले से आगाह हो जाए कि अच्छा, नहीं ये साइड होता है। अभी देखो, अभी तक है ना लोगों ने, या इंक्लूडिंग मी, पहले हम लोग ने बहुत अच्छी अच्छी साइड बताए गोट फार्मिंग की, बकरे बन रहे, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी भी होती है, इसमें बकरे नहीं बनते हैं, इसमें बकरे क्या दिक्कत में आते हैं, तो वो भी बताना जरूरी है, ताकि न्यू कमर जो आए वो अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं करे या खुद का पैसा वेस्ट नहीं करे। ओके, लेकिन फैसल भाई आपको ना लगता है आपकी इस हरकत की वजह से कुछ लोग आपको डिसलाइक करना चालू करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्सपोज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा, और ऐसा है कि अच्छा भी करो तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करे तो भी लोग बोलेंगे, और सच्चाई बताओ तो और लोग बोलेंगे, तो बोलने दो। मेरे को पता है कि मैं हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह के
अल्लाह को पता भाई क्या चल रहा है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुक्स नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए भी ना इत्तेफाकी नहीं है, लेकिन मैं अपनी हकीकत बताना छोड़ूंगा नहीं, चाहे लोग कितना भी आके मेरे को कुछ बोले। ओके, सो फैसल भाई, ये एक एक बकरे वेट गेन हो रहा है, बीमार हो रहा है, या फिर कुछ पर्पज से कुछ उसको डिसीज हो रही है, तो ये सब बकरा दिखाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या बोलते हैं? मैं देखो, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो दिखाना नहीं, लेकिन आपको कैसे एज अ सीनियर ये लाइन में लोग फॉलो करते हैं और आपको देख के देखा देखी मैं समझता हूँ कि काफी लोगों ने आपको देख के चालू भी किए रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चालू भी किए, लोगों ने बताए भी है, और ये हकीकत है गोट फार्मिंग की, जो हकीकत बताना जरूरी है कि बकरे बीमार होते हैं, तो बीमार होते हैं वो बताना जरूरी है, बकरे मरते हैं वो बताना जरूरी है। मैक्सिमम आपने देखे रहेंगे फुरकान भाई मेरे चैनल पे या कहीं भी, मैं हमेशा मॉर्टेलिटी की बात करता हूँ, हमेशा नई गेन हुए हुए बकरे की बात करता हूँ। लास्ट ईयर आप आके देखे गए कितने बकरे गेन हुए थे, वो अभी तक हम लोगों ने कभी शो ही नहीं किए। इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो डाली है खाली, ओके, प्रॉपरली फुल वीडियो नहीं आए, क्योंकि इसके टाइम पे ना कोई यूट्यूबर था और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मैं कैमरा लेके खड़ा हो जाऊँ और कस्टमर को बकरे ऐसे हैंड ओवर कर दूँ तो वो बेवकूफ़ी है। सही, उससे अच्छा बेहतर है कि बकरे साफ सुथरे नहीं जाए फार्म पे, से फार्म पे रखने का फायदा नहीं। नहीं, लेकिन मेरी एक सोच है मेरे फार्म के रिलेटेड, उससे अच्छा आदमी लास्ट मोमेंट पे देवनार से खरीदे। सही है, तो फैसल भाई मैं ये समझता हूँ कि आपका माशाल्लाह इंस्टाग्राम हैंडल जिस हिसाब से चल रहा है उस पर आप इंशाल्लाह और ध्यान दोगे तो लोगों को भी काफ़ी मदद होगी, क्योंकि आपके जो शॉर्ट वीडियो से लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जितनी जो मिलनी चाहिए उतनी एक मिनट में आप दे रहे हो लोगों के सामने। और ऐसा है फुरकान भाई, देखो अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि इंस्टाग्राम के अलावा अपने जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप स्टेटस पे ही है, व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, वो सारे सवाल आते हैं और वो सवाल लोगों को देता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। किसी के बीमारी और बकरे रिकवर होते हैं लोगों, तो वो मेरे लिए ना एक कामयाबी है। सही, देखो हजार लोग मेरी बुराई करें लेकिन एक बंदा मेरे लिए आके मेरी तारीफ कर रहा है ना, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो अवार्ड है। नहीं, लेकिन हक से बोलता हूँ मैं, अलहमदिल्ला पूरा फार्म देखा आपके गैर मौजूद में, माशाल्लाह आपके पास जो हंसा और जमुनापारी का कलेक्शन है पूरे मुंबई में किधर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों मैं अलहमदिल्ला अक्सर बहुत फार्म देखा हूँ, लेकिन जो कलेक्शन आपके पास अभी हाल फिलहाल में नवंबर में जो प्रेजेंट में मौजूद है ना, वो शायद से लाइनअप में खड़ा रह सकता है। एक दो बकरे हो सकते हैं बड़े और माशाल्लाह है भी, लेकिन जो लाइनअप है आपके पास जो चल रहा है, जमुनापारी हंसा की बात कर रहा हूँ, वो शायद से बहुत रेयरली देखने मिलेगा किधर। जमुनापारी मेरे पास है ना 4 महीने से लेके 6 दांत तक। और मैं फैसल आपका हेड्स ऑफ है भाई, ऐसे ब्रीड में आप रिजल्ट दे रहे हो जो लोग फेल हो जाते हैं, अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, कि हंसा में रिजल्ट देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जरा लोगों के सामने एकदम खुल के बताओ कि क्या वो बकरा कैसा चलता है और उसके पीछे के कितनी ये रहती है। जमुनापारी में लोग बोलते हैं क्या ना, क्या भाई जमुनापारी बकरे बनते हैं। हाँ ठीक है, जो नहीं बनते उसके बारे में किसी ने खुल के नहीं बताया। क्यों नहीं बनते? नहीं बनते है, रीजन क्या है, जमुनापारी जब आते हैं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 बार, देखो रेयर केस में 100 में से 10 बकरे ऐसे हो गए कि वो फटाफट सेट हो जाते हैं। 90% बकरे ऐसे है कि वो है ना सेट होने के लिए 2 से 3 महीना लेते हैं। स्लो वेट गेनिंग है क्योंकि इनके बोन हल्के बोन के बकरे हैं। ये बकरों को आप वेट गेनिंग से कोई भी जोड़ने की कोशिश नहीं करें, ये बकरे को आप लोगे लाइनअप में लोगे तो पर्सनैलिटी ब्यूटीफुल गोट में आप ये कर सकते हैं। इनको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है, तो मेंटेन कर रहे हैं हम। सही है। और फैसल भाई आप ये भी बता रहे थे कि अगर आप 100-150 किलो का कोटा खड़ा रखते हो तो उसके 110 किलो का जमुनापारी आज में खड़ा रखोगे तो लोग 110 किलो वाले को देखेंगे क्योंकि वो वैसा आउटपुट देता है। जो ऑफ कैमरा बात हो रही थी, हमारा डिस्कशन हो रहा था तभी तुम आए, ऑलमोस्ट तुम्हारे को 1 घंटा हो गया आगे, तो ऑफ कैमरा हमारा डिस्कशन हुआ, तो क्या हुआ उसके अंदर एक बकरा है कोटा है जो ऑलमोस्ट कांटे पे अपन चढ़ाए तो वो समझो 150, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 150 kg का कोई भी बकरा मेरे यहाँ पर मुंह से खा के तैयार नहीं हुआ। जो हकीकत बकरे को कांटे पे खड़ा करो 150 kg का बकरा है और एक जमुनापारी है जो मुंह से खा के 110 kg का है, लेकिन जमुनापारी और कोटे को सामने रखोगे लोग जमुनापारी को देखेंगे क्योंकि वो उससे बड़ा दिखता है। ये बात सही है। कांटे पे चढ़ाओगे तो वजन में कम, वजन है वो, वजन का मैटर अलग हो जाता है, क्राइटेरिया अलग है, अलग हो जाता है मैटर, एकदम अलग हो जाएगा, लेकिन खूबसूरती के मामले में बीट करता है। सही है। लेकिन फैसल भाई आप तो माशाल्लाह इतना एग्जांपल भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहे हो ना, तो कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है यार इतना कितना सच बोल दे लेता है ये,
कभी कभी वो सर अपनी एक वीडियो चली थी नहीं नहीं कुछ कुछ लोगों का एतराज़ हो जाता है, तो मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना सही है ये लाइन में। अभी तो माशाल्लाह मैंने ऑफ कैमरा देखा डायरी आपका जो प्रॉपर कार्ड है, जो मैं अक्सर मैं बताऊँ मैं भी कुत्ता पालता था उसका भी डायरी आती थी, वैसी डायरी आपने चालू कर दी है, वो बताएंगे इंशाल्लाह। कार्ड है मेरे पास, समझो ये एक बकरा है, ये एक दिन भी दुकान में आया तो कार्ड में उसकी एंट्री होगी। एंट्री होगी, एंट्री होने का मकसद ऐसा नहीं है कि भाई वो कार्ड में एंट्री कर लिया हम लोगों ने, तो नेक्स्ट टाइम पे अभी इसका 3 दिन का कोर्स हो गया, अब ये 3 दिन के बाद में रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद में बकरा अगर 10 दिन के बाद में बुखार में आता है तो इसको 10 दिन पहले मैंने जो कोर्स दिया था वो कोर्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वापस बुखार में आ रहा है, मेरे को नया कोर्स चालू करना है। सही है। अगर वो 1 महीने के बाद में वो बुखार में आता है तो जो पहले मैंने कोर्स दिया था ना वो कोर्स देने की ये डिटेलिंग में इतना या अगर कोई नया बंदा देख रहा रहेगा ना तो मैं यही बोलूंगा अगर नहीं भी समझा है ना तो फैसल भाई का इंस्टाग्राम आईडी देख लेना, आप उसको मतलब एनालाइज कर लोगे तो समझ जाओगे क्या क्या चल रहा है। और मैं बता दूं ये बकरा खस्सी है, फैसल भाई ने मेरे को बाद में बताया वो वाला खस्सी। अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन वो दिखने में दोनों सेम ही दिखते हैं बाकी। ये ओहो माशाल्लाह खस्सी है ना, लेकिन अंडुल रुबाब एकदम अंडुल है। फैसल भाई कौन सी नस्ल में देखा जाएगा इसको? इंदौरी बोल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग सोजत बोलेंगे ना, और मेरे हिसाब से ये इंदौरी है। लेकिन मैं बता दूं इतना माशाल्लाह फिट एंड फाइन देखने का रीजन ये है कि 1 साल से आरके गोट फार्म पे पल रहा है। मैंने आपको इसकी जब आई थी तभी की वीडियो ऑफ कैमरा बताया, बहुत मतलब एफएमडी में आया था ये बकरा, रिकवर हुआ और अभी माशाल्लाह देखो इसके झालर। नहीं माशाल्लाह एक ये मैं बता सकता हूँ कि किसका घर में क्राइटेरिया रहता है ना अम्मी अब्बा का कि भाई खस्सी चाहिए और बकर और सामने वाले का अंडुल चाहिए जो एरिया में लड़ाने के लिए, तो फैसल भाई आपको गाइड कर सकते हैं कैसा ये सिस्टम वर्क करता है। मैं डिटेल में अच्छा वर्क मैंने ऑफ कैमरा आपको बताया हूँ कि बहुत अच्छा वर्क करता है वर्क, बकरे का चेहरा भी है, बाप भी है, गोश्त भी है, वेट गेन आया और आप भी खुश हो जाओगे कि भाई। लेकिन इसमें बोल सकता हूँ कि फार्मर की थोड़ी तकलीफ बढ़ती है ना, थोड़ा थोड़ा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसल भाई हैंडल कर लेते हैं। अगर फार्मर की तकलीफ नहीं बढ़े तो फिर गोट फार्मर का क्या फायदा, मैं केयर टेकर का क्या फायदा, केयर टेकर ही हूँ ना मैं तो, इन शॉर्ट मैं ओनर नहीं हूँ उनका, मैं केयर टेकर हूँ। सही है, देखो इनकी केयर टेकिंग के पैसे। ओके सही फैसल भाई, एक अगर दूसरी साइड देखा जाए तो काफी लोग ये भी नीचे नीचे लिखते हैं कमेंट नेगेटिव कमेंट से कि भाई ये 3,500 रुपये ले तो रहा है लेकिन ये रिजल्ट दे रहा है कहने, सो आपको भी ऐसे सवाल होते रहेंगे पीछे आते रहेंगे मुंह पे, बहुत कम लोग बोलते रहेंगे। सो लोगों का काम है कि जो लोगों ने पर्सनली फार्म पे विजिट नहीं किए हाँ। वो एक ही साइड देख रहे हैं, अगर समझो मेरे यहाँ पर रखा हुआ है जिसने बकरा उसको मालूम है कि बकरे के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं, जो और मैं तो कोई चीज की वारंटी गारंटी नहीं लेता हूँ, वी आर केयर टेकर वी आर नॉट वेट टैगलाइन स्ट्रिक्टली है, तो मैं केयर टेकिंग कर रहा हूँ। सही है, रीजन ऐसा है कि आपके घर पे जगह नहीं है, मैं केयर टेकिंग कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपने मेरे यहाँ पर लाके दिए, हमारी दुकान उसकी वजह से चल रही है। सही है, हम लोग केयर टेकिंग कर रहे हैं तो मैं आपके बकरे की हर चीज की अपडेट दे रहा हूँ, आपको बुखार आ रही है अपडेट दे रहा हूँ, हर महीने का वेट का वीडियो दे रहा हूँ, तो जब 2 महीने में आपको वेट नहीं सही लगा आप बकरा लेके जा सकते। सही है, और मैं बता दूं ये शौक का मामला है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई पलाई वाला महंगा बकरा पड़ता है तो आपके लिए देवनार ऑप्शन है लास्ट में है, ऐसा नहीं काफी लोग लेते हैं लेकिन ये सिर्फ शौक का मामला है, जिसको शौक करना है घर पे पाल नहीं सकता है उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन है आरके गोट फार्म है, और मैं यही चाहता हूँ हाँ नहीं नहीं मैं तो ये 16-17 गोट फार्म है, कलोली में भी है गोट फार्म है, सब किधर भी रख सकते हो। सही है, जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई सबके अपने पेट है तो मैं मेरा पेट भरने के लिए दूसरे का पेट खाली नहीं करूँ। सही है, और मैं ये बोलूंगा कि आप जो भी फार्म पे दे रहे हो प्लीज एक बार विजिट कीजिए अपने हिसाब से देखिए, ये तो हम लोग डिजिटली हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका एक फर्ज बनता है कि जाके देखिए। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपके पास हंसा है जमुनापारी है जैसे भी बाल वाले बकरे तो फैसल भाई को एक मौका दे सकते हो, क्योंकि मैंने जितना रिजल्ट देखा अभी तक के हंसा में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, और आप लोग एतराफ में भी देखते रहेंगे काफ़ी बाल वाले बकरे दिखेंगे आपको, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी बन चुकी है इनके मतलब बोलते ना शुरुआत से इनका पब्लिक ने उसके ऊपर भरोसा दिया, हर एक लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए स्पेशलिटी देती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सही है, ये नहीं बोलूंगा देखो मैं ये वीडियो कोई मार्केटिंग के हिसाब से नहीं बना रहा। सही है, आप आए हो और हम लोगों का एक गेट टुगेदर जैसा हुआ है। सही है, सौदागर टीम के तबरेज भाई आए हैं तो तबरेज भाई ने लेके आए तो उसके लिए। सही है, पूरे सीजन में देखो कोई भी मार्केटिंग की वीडियो नहीं, नहीं नहीं सही है, आपकी ये सीजन की मेरे ख्याल से अदनान आया था कुछ 2 महीना पहले तो उसने कुछ वीडियो बनाया था बकरों की,
उसके बाद में अभी थोड़ा क्लाइमेट सही हुआ तो बाहर निकल के वीडियो बनाए। सही है। तो ये मत ये सोचना कि ये हर बकरा ऐसा बना हुआ है जो नहीं बने हुए वो अंदर है। हाँ। नहीं नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो इससे भी माशाल्लाह है अपने अपने लाइनअप में सबसे बढ़िया बकरे, लेकिन हम लोग ने सिर्फ लाइनअप डिस्प्ले के लिए ये बकरे अपने हिसाब से चूज किए। ये उन कस्टमर के बकरे हैं जो मेरे ऊपर ऐसा है कि आप जो करना चाहे तो कर दो, तो उनके बकरे निकाल दो। फैसल भाई थोड़ा दिखाओ ना इसका जलवा, क्या बता रहे हैं मारेगा ना। बाल में मेंटेनेंस के लिए बहुत तकलीफ होती रही है फैसल भाई। हाँ, इसको देखो अभी फ्रैंकली स्पीकिंग इसको 2 महीने से नहीं लाए नहीं। हाँ, चलता है? चलता है, मतलब कि क्लाइमेट ऐसा था लास्ट टाइम जो नए बकरे आ रहे थे और मैक्सिमम बकरे फाइब्रोसिस और रूमेन एसिडोसिस और फॉरेन बॉडी के केसेस में आ रहे थे, तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे फार्म पे ही चल रहा है फॉरेन और ये सब गोट फार्म वाले मेरे साथ में कनेक्टेड है, हम लोगों का डिस्कशन होता है फोन के ऊपर, तो सब जगह पे चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो दोहरा का शुक्राना की नमाज पढ़े कि ये नहीं चल रहा है। सही सही। वो ये कमिटमेंट नहीं करे कि आजकल फॉरेन बॉडी चल रहा है, जो चीज को उजागर मैं कर रहा हूँ ना तो वो चीज को है ना लेके ना सही तरीके से है ना उसको ये सोचो कि एक आदमी है ना कुछ सीखने के लिए धार रहा है कि कुछ आ रही है मार्केट में बीमारी आ रही है, तो वो बता रहा है कि आप उससे आगाह हो जाओ। मेरे यहाँ पर कोई बीमारी आ रही है तो मैं फौरन बताता हूँ कि आगाह कर। मोस्टली बाय एरी आती है, मतलब ऐसा क्या कोई अलग बकरे से आती है या फिर वायरल फीवर से ऐसा? मतलब देखो वायरल फीवर एक फीवर होता है जो अभी उसमें अंदर अपन घुसेंगे ना तो बैक्टीरिया नॉन बैक्टीरिया का इश्यू हो जाता, अपन इतने पढ़े लिखे हैं। सही है। लेकिन फैसल भाई मैं कुछ कुछ सुना था कुछ कुछ जगह कि पानी से भी कभी कभी बीमारियां हो जाती इनको। पानी से मीन्स पानी से क्या मतलब? कभी कभी ये लोग अभी ये लोग गाँव का पानी पीते इतना वजन हैवी इसका रहता है मटेरियल पार्टिकल्स का, और इधर के ये लोग अपने बॉम्बे का नॉर्मल पानी तो उसके वो लोग कभी प्रॉब्लम होती है ऐसा? नॉर्मल पानी के तो बकरे को वैसा सेट करना पड़ता है 15 डेज क्वारंटाइन पीरियड। मीन्स क्या है, मेरे को बकरे की हिस्ट्री जानना है। अच्छा। वो आने के साथ में हमारा वैसा ही वार्म वाटर चलता है पानी के अंदर, हम लोगों का तो उसके अंदर बक्सून जाता है और पानी का नया बकरा आ रहा है ताकि उसको पेट में ये नहीं हो, खाने का सोडा डाल के दे दे ताकि दिक्कत ना हो। क्वारंटाइन वर्ड ये अब भी आया लेकिन बाकी है तो प्रोसेस चल रही है। फर्स्ट मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह आरके गोट फार्म ही है जिसने पहले क्वारंटाइन रूम बनाया था। नाम से बनाए थे वो? देखो पीछे नहीं नहीं वो मतलब कोविड के पहले ही नाम से बनाए थे। कोविड के पहले ही रूम बना हुआ था, बाद में कोविड के बाद में आया। अच्छा। क्वारंटाइन ये कोविड के आप देखो मेरा पुराना पोस्ट देखो 2019 का जब ये रूम बना था तभी की पोस्ट डाला क्वारंटाइन रूम करके, बाद में कोविड आया हुआ। सो फैसल भाई हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे आपके जर्नी के हिसाब से, ये तो माशाल्लाह एक झलक दिखा दिया हो जो डिस्प्ले के लिए अपने पास लोग देखना चाहते हैं तो बोलेंगे सिर्फ बातें कर रहे हैं और बकरे नहीं दिखा रहे, तो एक बकरा दिखाना भी एक मजा आती है लोगों को, ये कुछ देखने मिलता है। आपका चैनल गोट के रिलेटेड है तो आपको बकरे भी दिखाना जरूरी, लेकिन कुछ डिस्कशन होता है गोट फार्मिंग के रिलेटेड वो भी करना जरूरी है। मैं वो जब वो करते हैं तो उसके अंदर कुछ लोगों को बातें पसंद आएगी और कुछ लोगों को बातें नहीं पसंद आएगी। पार्ट है लेकिन ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो उसमें कुछ जैसा पार्ट ऑफ बिजनेस है कुछ बकरे बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि 100% रिजल्ट, मेरे हिसाब से 100% रिजल्ट गोट फार्मिंग में है ही नहीं। सही सही। अगर 100% रिजल्ट बोल रहे हो तो आपके यहाँ पर बकरे बीमार हो रहे वो 100% में कैसा आया? आपके यहाँ पर बकरे मोर्टेलिटी हो रहे आप शो नहीं कर रहे वो अलग बात है, सही। लेकिन वो तो कैसा आया, बकरा का सिंग डैमेज भी 100% में नहीं आता है, मतलब अगर आपके यहाँ पर बकरे की सिंग भी टूटी है ना तो 100% रिजल्ट कैसा हुआ? सही बोले। सो मैं यही चाहता हूँ कि अगर किसी भाई को शौक नहीं भी है सो प्लीज एक बार विजिट कीजिए आरके गोट फार्म इंशाल्लाह। मैं पहले भी बताता हूँ मेरे यहाँ पर किसी के भी बकरे नहीं है, भले वो दूसरे फार्म पे बकरे रखे नहीं, लेकिन वेलकम आप आगे, मैं वहाँ पर ही बैठा रहूंगा जैसा आपने विजिट किए, आप फार्म घूम के आओ घूम के आओ, क्योंकि मेरी वॉच है ना बराबर सीसीटीवी पे, वहाँ पर बैठ के मैं बराबर देखता हूँ पूरे हर बाड़े में कैमरा है, तो वो हर बाड़े में कैमरा तो मेरे को बराबर मालूम पड़ता है और कौन कैसा बंदा है कैसा नहीं है अपने को समझ में आता। सही सही सही। मेरा एक स्टाफ का एक मेंबर रहता साथ में, वो जाता है खाली आप बिंदास बकरे के साथ में खेलो, मेरे कस्टमर लोगों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बिंदास ये करो आप देखो आप अपना शौक जगाओ उसके बाद में आप डिसाइड करो रखना है या नहीं रखना है, जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ पर ही बकरे। ये बात तो फैसल भाई का बड़प्पन है तो ये खुला बोल देते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर किसी को पर्टिकुलर नस्ल में एकदम कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकरा देखना है सो एक बार आके आप दे सकते हो, बाकी आप आपके पड़ोस के फार्म पे दे दो या फिर इधर दो या फिर किधर भी दो, कोई मसला नहीं है किसी का, लेकिन किसी को अगर क्वालिटी और एक्सट्रीमनेस देखना है, जो आज के तारीख में बोलते ना हर एक बकरा सस्ता हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ बकरे रहते हैं जो क्वालिटी अपनी जस्टिफाई डिफाइन करते हैं।